हम लोग अभी न्यू बैचेस अनाउंस कर रहे हैं हमारे जेई फाउंडेशन के लिए भी एंड जेई टारगेट के लिए। सर मैथ्स के वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी है, एनआईटी से हैं, यानी कि सारे आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस जो हमारे फैकल्टी हैं उनकी टीम है जो बच्चों को एक बेटर गाइडेंस बेटर सपोर्ट देगी ताकि वो अपना रिजल्ट अच्छे से दे सके। ऑल इंडिया रैंक 7, ऑल इंडिया रैंक 31, ऑल इंडिया रैंक 58 तक स्कोर उन्होंने दिया हुआ है। एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट भी बच्चे दे सकते हैं अगर उनको लग रहा है कि वो और अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अप टू 100% तक के स्कॉलरशिप ले सकते हैं ऑन ट्यूशन फी। हाय एवरीवन, वेलकम टू करियर फिलोसॉफी यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग फिर से एक बार आ चुके हैं करियर पॉइंट के कंकर बाग वाले सेंटर पे। आज यहाँ पे होने वाला है कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट जो कि यहाँ के मैनेजमेंट के द्वारा किया जाएगा। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ आज स्पेशल अनाउंसमेंट है जेई के बच्चों के लिए। यहाँ पे कुछ नए बैच और लास्ट बैच के लिए कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट होने वाला है, तो इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। तो आप लोग हमारे इस वीडियो में बने हैं और देखिए हमारा ये पूरा वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। हमारे साथ है अभी साली मैम जो कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है। तो मैम आज कुछ अनाउंसमेंट करने वाली है लास्ट बैच को लेकर, तो चलिए हम जानते हैं मैम से मैम क्या कुछ अनाउंसमेंट कर रही है। हाय मैम, वेलकम टू करियर फिलोसॉफी। थैंक यू मैम। क्या कुछ आप लास्ट बैच को लेकर अनाउंसमेंट करने वाली हैं? बच्चों के स्पेशल डिमांड पे अभी हम लोग एक लास्ट बैच लेकर के आ रहे हैं क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स अभी भी ऐसे रह गए हैं जो कि किसी कंफ्यूजन की वजह से या रिजल्ट्स के वेट करने की वजह से अभी रह गए हैं, अभी तक उन्होंने एडमिशन लिया नहीं है। तो फॉर दोज स्टूडेंट्स हम लोग अभी न्यू बैचेस अनाउंस कर रहे हैं हमारे जेई फाउंडेशन के लिए भी एंड जेई टारगेट के लिए भी। अभी हमारा जेई मेंस का एग्ज़ाम भी कम्प्लीट हुआ है, तो जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए हैं वेल एंड गुड, अदरवाइज जो स्टूडेंट कुछ मार्क्स की वजह से चूक गए हैं या अगले साल के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं वो हमारे यहाँ अभी आ करके 27th August से उनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। 27th August से वो ज्वाइन कर सकते हैं हमें। ठीक है मैम, लास्ट बैच को जो ज्वाइन कर रहे हैं बच्चे उनके लिए क्या कुछ खास, मतलब उनका फ़ी क्या होने वाला है, फैकल्टी कौन से मिलेंगे? अभी हम लोग जो बैचेस ला रहे हैं बच्चों के लिए जो टॉप फैकल्टी हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड फैकल्टी हैं, सिर्फ उनके द्वारा ये हम लोग का बैच आ रहा है। क्योंकि अभी जितने स्टूडेंट्स हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट अगर टारगेट की बात करें तो इस बार का मेंस एग्ज़ाम दे करके आ रहे हैं, कुछ मार्क्स कम हैं, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ रैंक वगैरह पीछे रह गया जिसकी वजह से आ रहे हैं। तो अगर उनको एक प्रॉपर रैंक इस साल चाहिए, क्योंकि जेई मेंस के जो भी ड्रॉपर स्टूडेंट होते हैं हमें पता है कि उनके पास अटैम्प्ट नहीं होता, ये उनका लास्ट अटैम्प्ट होगा, तो लास्ट अटैम्प्ट में ऑब्वियसली उनको वो सपोर्ट चाहिए होगा, वो फैकल्टी चाहिए होंगे जो पास्ट ईयर्स में भी रिजल्ट दे चुके हैं। हमारे यहाँ के अभी जितने फैकल्टी जो हमारी टीम है, ऑल इंडिया रैंक 7, ऑल इंडिया रैंक 31, ऑल इंडिया रैंक 58 तक स्कोर उन्होंने दिया हुआ है, तो अगर बच्चे उनके थ्रू पढ़ेंगे, जैसे कि डीजे सर हैं, दीपक जामवाल सर, अभी वो साउथ इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट अभी टीचर्स हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली हमें ज्वाइन किया है, जो सिर्फ और सिर्फ टॉप रैंकर्स स्टूडेंट को ही पढ़ाया है उन्होंने। ठीक है, तो उनका भी क्लासेस ज्वाइन हुआ है, आईआईटी धनबाद से हैं वो। फिर श्रवण कुमार सर की जो कि आईआईटी गुवाहाटी से हैं फॉर मैथ्स, इनका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है, पास्ट रिजल्ट उनके काफ़ी अच्छे रहे हैं। फॉर केमिस्ट्री विजेंद्र सर हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी हैं, काफ़ी अच्छा उनका भी फीडबैक रहा है, नंबर ऑफ़ वीडियोज़ उनके अपलोडेड है ऑलरेडी, वो कोई भी स्टूडेंट अगर जाता है तो देख सकता है। अर्जुन सर हैं फॉर केमिस्ट्री, अर्जुन सर भी आईआईटी बीएचयू से उन्होंने अपना बीटेक कंप्लीट किया हुआ है। फिर शत्रुघ्न गिरी सर हैं, शत्रुघ्न गिरी सर मैथ्स के वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी हैं, एनआईटी से हैं, यानी कि सारे आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस जो हमारे फैकल्टी हैं उनकी टीम है जो बच्चों को एक बेटर गाइडेंस बेटर सपोर्ट देगी ताकि वो अपना रिजल्ट अच्छे से दे सके। मैम आप यहाँ के फैकल्टी के बारे में बताएं और मैनेजमेंट का क्या सपोर्ट रहेगा बच्चों के लिए? मैनेजमेंट भी बहुत सारे तरह से सपोर्ट कर रही है स्टूडेंट्स को। मॉड्यूल्स जो है हमारे वन ऑफ द बेस्ट मॉड्यूल्स हैं, आपको अमेजोन पे भी इजीली अवेलेबल रहते हैं, डीपीपी उनको मिलता रहता है डेली बेसिस पे सारा डीपीपी, जिससे बच्चे अगर सॉल्व करते हैं तो काफ़ी बेनिफिट होगा उनको। एक डेली ट्रैकिंग बुकलेट भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं अभी, इस डेली ट्रैकिंग बुकलेट में बच्चों को अपना डेली वाइज जो भी पढ़ाई वो करते हैं वो सारा इसमें एंट्री करना होता है, जितने डाउट्स आ रहे हैं सब्जेक्ट वाइज वो एंट्री करते हैं, जिसको हम लोग मंथली सबमिट लेकर के बच्चे के पढ़ाई को एनालिसिस करते हैं कि किस तरीके से बच्चे की पढ़ाई जा रही है। वीकली टेस्ट है, सारे टेस्ट का रिपोर्ट्स वगैरह उनको प्रोवाइड किया जाता है विथ होल एनालिसिस, लाइक कितने परसेंट उन्होंने स्कोर किया है, किस टॉपिक में उनका कैसा परफॉर्मेंस रहा है, ये सारा चीज़ भी उनको डिटेल्स दिया जाता है, कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हुए हैं, किस टॉपिक में, किस लेवल के क्वेश्चन में मिस्टेक हुए हैं, सारा एनालिसिस करके उनको बताया जाता है। तो इससे बच्चों को काफ़ी सपोर्ट मिलता है, काफ़ी अच्छा उनको बेनिफिट मिलता है।
डाउट्स वगैरह जो है होता है डेली बेसिस पर, उनको डाउट प्रोवाइड करवाया जाता है, तो इससे बच्चा अपना बेनिफिट ले सकता है। मैम लास्ट पॉइंट पे आते हैं कि फ़ी क्या होने वाली है। फ़ी तो अलग अलग ऑफ़र्स रहते हैं हमारे, अधिकतर अभी हमारा जो ऑफ़र चल रहा है, पहले भी मैंने बताया हुआ है आपको, सारे स्टूडेंट्स को भी इन्फॉर्मेशन होगी, 36,000 प्लस 18% GST अभी हमारी चार्ज की जा रही है डायरेक्टली, जो कि प्रमोद महेश्वरी सर ने डायरेक्टली ही अनाउंस किया था कि हमारी फ़ी अभी काफ़ी लो रहेगी, तो 36,000 प्लस 18% ये तो हो गई मैम टारगेट बच्चों, टारगेट बैच के बच्चों के लिए, फाउंडेशन के लिए 75% एंड 18% GST। तो क्या ये एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट भी हो जाएगा? एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट भी बच्चे दे सकते हैं, अगर उनको लग रहा है कि वो और अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप ले सकते हैं ऑन ट्यूशन फी, दे आर वेलकम एंड वो आ सकते हैं, आकर के अपना टेस्ट जो है देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है, आकर के टेस्ट दें, टेस्ट के बेसिस पे भी जो होगा वो कंसिडर किया जाएगा, ऐसे ओवरऑल फी तो ऑलरेडी हमने कम कर ही दी है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग करियर फिनोलॉजी।